सो जब भी क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो जाता है और हम सब के लिए कॉमन रिटेलर्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका रहता है, सही टाइम रहता है, जो कि बहुत सारे कॉइन्स आपको डिस्काउंट में मिलने वाले होते हैं। सो इस समय पे अगर हम डिपॉजिट करने जाते हैं कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, जो कि खास करके इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, इस टाइम पे इन सारे एक्सचेंजेस की डिपॉजिट जो कि रहती है डिसेबल्ड हो जाती है। जैसे कि हमने कल की डेट में देखा, बहुत सारे दोस्त लोग मुझे रिसेंट वीडियोज के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने लगे कि भाई जब भी हर्ष भाई क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो जाता है तब भी ये एक्सचेंज इसकी डिपॉजिट यहां पे क्यों बंद हो जाती है। सो इसके ऊपर इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है और साथ ही में टॉप ऐसे कॉइन्स हमसे आपसे डिस्कस करेंगे जो कि इस समय में बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको मिल रहे हैं। इनमें से 3 मीम क्रिप्टो करेंसी आपको बताएंगे और साथ ही में 3 से 4 ऐसे सिक्योर कॉइन्स बताएंगे जहां पे आपको फिक्स रिटर्न्स आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में मिलने ही वाले हैं। तो जो दोस्तों ने यहाँ पे किसी भी कॉइन को हाइप पे परचेस किया रहेगा, यानी कि बहुत हाई प्राइस पे परचेस किया रहेगा और इस क्रिप्टो मार्केट में क्रैश आने के बाद उनके कॉइन्स की वैल्यू कम भी हुई रहेगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई मार्केट में करेक्शन आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कॉइन की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगा और उसके बाद फिर से उससे भी प्राइस के ऊपर, आपके लिए हुए प्राइस के भी ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट की खासियत है और ये क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा पार्ट है रेड एंड ग्रीन। अगर इस पार्ट को आप लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हो, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आप लोग यहाँ पे पेशेंस के साथ वर्क कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उल्टा एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए फिर से यहाँ पे बन रहा है इस क्रिप्टो मार्केट के डीप में, जो कि आज आपको कॉइन्स डिस्काउंट में मिल रहे, ये कॉइन्स आने वाले में पता चले कि और भी अच्छे खासे प्राइस पे चले जाने के बाद आप लोग सोचे कि और भी इस कॉइन्स को ले लूं। तो आज फिर से आप सभी दोस्तों को यहाँ पे एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है इस डीप में फिर से कुछ कॉइन्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेने का, कुछ कॉइन्स को यहाँ पे डिस्काउंट में बाय कर लेने का। ये डिस्काउंट यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में फिर से आएगा कि नहीं ये हम लोग बता नहीं सकते, हाँ बट ये क्रैश जरूर बार बार आता है और इसकी आपको आदत कर लेनी होगी। और साथ ही में जो दोस्त लोग यहाँ पे परेशान है कि यहाँ पे बाहर के जो कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस है इनको इंडियन की गवर्नमेंट यहाँ पे बैन करने की सोच रही है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारे मामलों में ना आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया ही नहीं तो इसके रिगार्डिंग चर्चा क्यों करनी है। अगर आपको ऐसा भी लगता है तो जिस एक्सचेंज के रिगार्डिंग हम अभी आपसे बात करने जा रहे हैं, जहां पे आपको इंस्टेंट एंड क्विक डिपॉजिट भी मिलेगा और साथ ही में जैसे कि रेगुलेशंस आएंगे इंडिया के, तो ये एक्सचेंज उसके साथ रेगुलेशंस में पार्ट भी ले लेगा और यहाँ पे मतलब रेगुलेशंस के हिसाब से ये एक्सचेंज आने वाले समय में रन होगा, यानी कि बैन होने का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है। ये एक्सचेंज जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहां पे आप लोग क्विकली डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आपको सारे के सारे प्राइम टोकन्स भी मिलते हैं, सारे के सारे मोस्ट ऑफ द मीम टोकन्स भी मिलते हैं, जो कि अदर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है। अभी भी ऐसे कई सारे मीम टोकन यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं और भी यहाँ पे नए नए लिस्टिंग्स ये लोग करते जा रहे हैं, जो कि सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर दिक्कत आती भी है तो यहाँ पे इनका एक सपोर्ट पोर्टल है जहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। सो यहाँ पे आगे बढ़ते वीडियो की तरफ, जो कि एक्सचेंज की हम बात करने जा रहे हैं, सन क्रिप्टो एक्सचेंज है, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका जो भी मनी रहेगा बिल्कुल सेफ रहेगा, ये कोई भी बाहर का एक्सचेंज नहीं है। जैसे कि रेगुलेशंस आ जाएगी, ये रेगुलेशंस का पार्ट बनके यहाँ पे ये एक्सचेंज रन होने ही वाला है फ्यूचर में, तो बैन होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, तो चिंता मत कीजिएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि अभी आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, जो कि यहाँ पे मैं डिपॉजिट की रिगार्डिंग सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए INR डिपॉजिट और INR विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि इंस्टेंट एंड क्विक डिपॉजिट भी विड्रॉल भी क्विकली आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो INR डिपॉजिट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे 3 डिपॉजिट्स के ऑप्शन ये लोग आज शीट में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि तीनों के तीनों एक ही टाइम पे सेम टाइम पे अवेलेबल होते हैं। आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप यहाँ पे डिपॉजिट कभी भी किसी भी टाइम पे कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए आप लोग इजीली इंस्टेंटली क्विकली कर सकते हैं। जो कि पहला ऑप्शन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं UPI ट्रांसफर का, जो कि आप लोग देख सकते हैं मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 100 INR, फी INR 0 पर ट्रांजेक्शन, 0 फीस है और UPI के थ्रू यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपका होने वाला है, जो कि VPI इन्होंने प्रोवाइड करा है, अकाउंट नेम प्रोवाइड करा है, जो कि आपके फोन पे गूगल पे यहाँ पे जो भी UPI एक्सेसिबल जो कि आपका एप्लीकेशन रहेगा उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। और डिपॉजिट करने के बाद जो कि रेफरेंस आईडी आपको आएगा UTR आपको यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देना है सबमिट आईडी पे, तो आपका कुछ समय में ही यहाँ पे डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड डिपॉजिट मेथड की अगर हम बात करेंगे तो इंस्टेंट डिपॉजिट बैंक ट्रांसफर है, यानी कि बैंक अकाउंट यहाँ पे जैसे कि आपका कैनरा बैंक हो गया, तो अदरवाइज HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये जो भी आपके अकाउंट रहेंगे बैंक के, तो आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करके उनको जोड़ के यहाँ पे इंस्टेंट उन एप्लीकेशन के ऐप के थ्रू यहाँ पे
क्विकली यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे फी आपको 10 पर ट्रांजेक्शन लगेगा और मिनिमम डिपॉजिट है आपको 100 रुपीज, जो कि बहुत ईजी। और तीसरा ऑप्शन जो कि दिया है, अगर कोई भी मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, सारे के सारे मेथड यहाँ पे वर्क करेंगे ही करेंगे। पेमेंट गेटवे मोबीक्विक अवेलेबल, मिनिमम डिपॉजिट INR 100 एंड फी INR 2% पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अभी ये जो कि फीस रहती है सिर्फ ये एक्सचेंजेस की नहीं रहेगी, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी की भी रहेंगी, जैसे कि मोबीक्विक का एप्लीकेशन है, मोबीक्विक भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा चार्ज करेगा ही करेगा। बट UPI ट्रांसफर जो कि बहुत ही ज्यादा इजी ट्रांसफर में जिसको कह सकता हूँ, और कोई भी फी इन्होंने रखी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग क्विकली यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट के मैंने रिगार्डिंग आपको बता दिया, विड्रॉल भी आप लोग क्विकली आपके बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये सारी चीजों को बैंक को जोड़ लोगे, बैंक डिटेल्स ऐड कर दोगे, तो आपके बैंक में सीधा यहाँ पे मनी जो कि डिपॉजिट है, विड्रॉ है, वो हो जाएगा। सो यहाँ पे बात करेंगे टॉप कॉइन्स की। देखिए यहाँ पे जो कि क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अदर एक्सचेंजेस पे, जो कि इंडियन एक्सचेंजेस है खास करके, उनके प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वजीरएक्स हो गया, कॉइनस्विच कुबेर हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, जो भी जितने भी सारे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस फेमस उनके ऊपर सिर्फ मीम टोकन्स की अगर हम बात करेंगे तो डॉज कॉइन, शिबा एंड मोस्टली और एक तो कॉइन रहेगा, बट उसके बाद कॉइन कोई भी नहीं है, मीम टोकन अवेलेबल नहीं है। बट इस एक्सचेंज पे आपको करीब करीब 7 से 8 मीम टोकन्स आराम से मिल जा रहे हैं, और जिनके ऊपर आप लोग अच्छे से प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस भी इनकी चल रही है आजकल इस इन कॉइन्स की, तो शॉर्ट टर्म में भी आप लोग सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोग सोच सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ, न्यू लिस्टिंग इन्होंने की हुई है, सही तमा इनो की लिस्टिंग की हुई है, एटलास की लिस्टिंग की हुई है, वाइल्ड की है, इलॉन है, शिल है, पॉल सी है, यूशी है। अभी ये जो कि कॉइन्स है, तीनों के तीनों मीम क्रिप्टो करेंसी जो कि इसमें है, सही तमा और इलॉन और यूशी, इनके रिकॉर्ड्स आप लोग कॉइन मार्केट कैप पे इजीली चेक कर सकते हो। ये जो कि कॉइन्स है, ये बहुत मीम टोकन्स में पोटेंशियल्स वाले कॉइन्स है, ये ऐसे सिंपल कॉइन्स नहीं है, जो कि मीम टोकन्स ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हो चुके, बट ये लोग ऐसे कॉइन्स को लिस्ट कर रहे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल से कि आने वाले समय में ये ग्रो करे ही करे, ऐसे ही कॉइन्स ये लोग आज के डेट में लिस्ट कर रहे हैं। सो ये तीनों कॉइन्स में से एक टॉप पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि इलॉन कॉइन है, इसके अंदर आप लोग सोच सकते हैं कुछ यहाँ पे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहते कंप्लीट रिसर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद कॉइन के रिगार्डिंग, इलॉन के रिगार्डिंग आप लोग स्टडी कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और भी हमारे चैनल पे इसके रिगार्डिंग वीडियोस अवेलेबल है, डॉज इलॉन के डॉज इलॉन कॉइन है इस नाम का, इस कॉइन का पूरा नाम है डॉज इलॉन, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉइन है और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो बात करेंगे सही तमा की, सही तमा की पब्लिसिटी भी बहुत अच्छी खासी चल रही है। ट्विटर पे अगर हम देखेंगे सही तमा की रिगार्डिंग भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्वीट्स कर रहे हैं ट्विटर पे, तो आप लोग सही तमा का भी रिसर्च कर सकते हैं, यूशी का भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। यूशी फिनांस जो कि है बहुत अच्छा कॉइन, ये बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हॉटबिट प्लेटफॉर्म जो कि है, हॉटबिट प्लेटफॉर्म की जो कि सीईओ है, जो कि डेवलपर्स है, यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे यूशी को, यहाँ पे यूशी के पीछे मतलब यूशी के रिगार्डिंग बहुत सारे ट्वीट्स यहाँ पे करते रहते हैं, और भी यहाँ पे लोग हैं जो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंस करते रहते हैं यूशी के रिगार्डिंग, तो आप लोग रिसर्च करने के बाद सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे इन्फॉर्मेशन देने में कुछ नहीं लगेगा, और भी एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा जिसके अंदर मैं आपको कॉइन्स के हर एक कॉइन के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, बट आपका भी खुद का भी स्टडी यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे एटलास की बात करेंगे और वाइल्ड की बात करेंगे, शिल की बात करेंगे, पॉलिसी की बात करेंगे, तो ये जो कि टोकन है, ये प्राइम टोकन है, एटलास, वाइल्ड, शील, पॉलिसी। अभी ये जो कि टोकन है, ये एक रियल यूटिलिटी बेस्ड टोकन है, यानी कि इनका कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन का यूज करके इनका फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा यूज होने वाला है, जो कि इनके पीछे बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट से, जो कि इनके प्रोजेक्ट से अगर आप लोग रिसर्च करते हैं तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे डॉज इलॉन और सही तमा और इसकी बात करेंगे यूशी की, तो 1 पैसे से भी कम इनकी प्राइस आज की डेट में चल रही है, 1 पैसे से कम, और 1 पैसे से कम अगर चल रही है तो फ्यूचर में आप लोग गेस कर सकते हैं कि अगर इसकी चांसेस बढ़ते हैं, अगर ग्रो करता है मार्केट और भी क्रिप्टो मार्केट, तो आने वाले समय में ये अच्छे खासे रिटर्न्स आपको आने वाले समय में बिल्कुल दे ही सकते हैं। सो आप लोग अगर आपके इन्वेस्टमेंट का थोड़ा थोड़ा पार्ट डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं, इसको डाइवर्सिफाई करिए, किसी भी एक कॉइन में इन्वेस्टमेंट मत करिए, ठीक है, इसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा। अगर किसी एक कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो कॉइन की प्राइस अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है तो आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, बट आप लोग इसको डाइवर्सिफाई करके रखोगे तो क्या होता है ना, कोई एक कॉइन अगर नीचे रहता है, कोई दो कॉइन नीचे रहते हैं, तो बाकी के 3-4 जो कि रहेंगे आपके एवरेज पे चलते रहते हैं, या तो उसमें से 2 ऊपर
रहे थे, कुछ दो एवरेज में रहे थे, तो ऐसे आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस ये अच्छा मेंटेन रहता है। तो ये मैं आपको सलाह दूंगा। सो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इनका ट्विटर हैंडल भी है, इनको ट्वीट भी कर सकते हैं आप लोग टैग करके, और 5K के ऊपर इनके जो कि फॉलोअर्स है कंप्लीट हो चुके हैं, और अच्छी खासी ग्रो आज की इस डेट में क्रिप्टो मार्केट में पूरे इंडिया में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्विकली INR में किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को, INR की पेयर में अवेलेबल है सब क्रिप्टो करेंसीज, INR में आपको इजीली मिल जाएंगे, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप लोग बाय कर सकते हैं। सो गाइस, इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। जो भी नए दोस्त लोग रहेंगे उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि सबसे पहले आप इस मार्केट को सीखिए, समझिए कि चीज़ें यहाँ पे कैसे वर्क करती है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे निवेश करने की सोच सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे अभी तक जुड़े नहीं रहेंगे तो क्विक सिग्नल्स आपको इससे पहले वहाँ पे मिलते रहेंगे, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सीखने में भी हेल्प होती रहेगी और प्रॉफिट्स को गेन करने में भी ऑब्वियसली हेल्प होती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रही तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बहुत सुन। टिल देन गुड बाय।